नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। ठंड का सितम लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जब ठंड आती है तो अपने साथ तमाम बीमारियों और समस्याओं को संग लेकर आती है। वहीं सर्दी के मौसम में बच्चों का खास ख्याल रखना पेरेंट्स के लिए काफी चुनौती भरा होता है। खासकर नवजात बच्चों को ठंड से बचाना बेहद जरूरी होता है। तो आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे नवजात बच्चों को ठंड से बचाया जाए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गर्मी के मुकाबले ठंड लोगों को ज्यादा भाती है, लेकिन ठंड का मौसम उन माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती नवजात बच्चे की देखरेख करना और ठंड से मासूम को बचाना होता है। क्योंकि नवजात बच्चे ये नहीं बता सकते कि उन्हें किस बात से परेशानी हो रही है या ठंड लग रही है, तो हम आपको बताते हैं कैसे आप अपने न्यूबॉर्न बेबी का ख्याल रख सकते हैं। आम तौर पर लोग बच्चों को ठंड से बचाने के लिए खूब सारे कपड़े ला देते हैं, जिससे नवजात बच्चा पूरे वक्त असहज महसूस करता है। तो ऐसे में जरूरी होता है बच्चे को इतना भी ना ढक दें कि उसे उसकी त्वचा सांस ना ले पाए। वहीं कुछ लोग बेबी को सर्दी से बचाने के लिए दिन भर घर में ब्लोअर या हीटर चलाकर रखते हैं, तो इस तरह के उपाय भी नवजात बच्चे की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। साथ ही बच्चों को दिन में धूप लगाना अच्छी बात है, लेकिन नवजात शिशुओं को बहुत सुबह और शाम में धूप में ना ले जाएं, इससे परेशानी हो सकती है। अगर संभव हो तो बच्चों को सर्दी के मौसम में रात को बाहर ना निकालें। अगर जाना ही पड़े तो शिशु को अच्छी तरह ढक लें। सर्दी में नियमित रूप से बच्चों को मसाज दें। वैसे तो हमारे देश में सदियों से बच्चों को मालिश की जाती है, लेकिन शहरों में ऐसा कम देखा जाता है। सर्दियों में शिशुओं को हर हाल में हॉट मालिश करनी चाहिए। वही मालिश के लिए सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल और बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें मिक्स कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के बाद और सोने से पहले कम से कम दो बार बच्चों को मालिश जरूर करें। सबसे जरूरी और अहम बात, नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ आहार है। यह सर्दी से भी बचाता है, इससे शिशुओं में इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए माँ को सर्दी के मौसम में गर्म सूप, सलाद, हरी सब्जी, बाजरा, मक्का का अधिक सेवन करना चाहिए। इन सब टिप्स के अलावा बच्चों के आसपास हाइजीन का भी ख्याल रखना जरूरी होता है, क्योंकि सर्दी में हर हाल में शिशु को संक्रमण से बचाना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।